गाइस एंड वेलकम बैक टू एंड अदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आपस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और फिलहाल गाइस सीन ऐसा है कि मैं एकदम मस्त रेडी हो रखा हूँ। फिलहाल आज का जो सीन है ना, वे मैं जा रहा हूँ अपने बुआ जी के घर, वो भी अपने वोकांडा से जा रहा हूँ खिचड़ी लेके। सो आप लोगों को शायद पता होगा ये त्यौहार यानी कि जो मकर संक्रांति होता है, तो अपनी बेटियों को ले जाया जाता है खिचड़ी। तो भाई साहब, अब किसके यहाँ ये सब होता है नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ये सब चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे बैठी है मम्मी और सब बोरी ओड़ी में बांध के जो भी होता है, तिलवा हो गया, झुंडा हो गया, चूरा हो गया, मतलब जो खाने वाला चीज़ होता है वही सब जाता है, थोड़ा कपड़ा वपड़ा जाता है बस वही। तो मस्त मैंने सब कुछ रेडी कर लिया हुआ है और आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना है, वो कांडा से 50 किलोमीटर दूर जाना है। तो जाने में तो मेरा थोड़ी बाबा क्या बताएंगे तुमको, मतलब साथ में चलो फिर देखते हैं। फिलहाल सीन ऐसा है साइकिल से जाने का कि मेरे को भाई साहब वहाँ के विलेज में थोड़ा बहुत घूमना है और अगल बगल जो भी मार्केट होता है वहाँ पे थोड़ा मस्त घूमना है, तो जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ वकंडा से। नहीं तो भाई, तो मेरे पास बाइक थी ही जाने के लिए। और यहाँ पे गाइस रही मेरी वकांडा और मैं तो एकदम क्या बताऊँ, मतलब अब जाने में जैसे भी होगा वैसे भी चला जाएगा, बट चलो इसको लेके चलेंगे पिट्ठा पिटांग के। मैं तो इस सेटअप पे एकदम चल दिया हूँ भाई साहब और धूप हो रखी एकदम काफ़ी मस्त। इधर मेरा बोड़ा जो लेके जा रहा हूँ खिचड़ी। ये गाइस मेरा घर, घर को बाय बाय, फिर मिलेंगे 2 से 3 दिन के बाद। और चलो चलते हैं अब। और यहाँ पे जाते हुए हमारे बड़े पापा मिल गए गाइस, ये भी खिचड़ी लेके जा रहे हैं, मेरी खिचड़ी। बट मेरी वकांडा इनसे काफ़ी तेज़ी से चल रही है जिसकी वजह से मैं पहले पहुँच गया। चलो रतनपुरा से अपना अलग अलग रास्ता हो जाएगा गाइस। चलने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं फिर पानी पीने के लिए इसी पेट्रोल पे, जहाँ मैं हरदम आता हूँ, पानी लेता हूँ, पीता हूँ और फिर चलता हूँ। तो हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा थकान और मैं यहाँ से लूँगा पानी और फिर चलेंगे बस। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। गाइस अभी दोपहर का 12 बजे चलने के बाद यहाँ 3:10 पे अभी मैं पहुँचा हूँ, करीब 30 किलोमीटर दूर पहुँचा हूँ। अभी भी मेरे को 15 से 20 किलोमीटर अभी भी मेरे को जाना है। तो छोटा सा सोचा कि एक रेस्ट लेते हैं आराम से, वकांडा को खड़ा करते हैं और कुछ देर बाद फिर चलेंगे। और इतना दूर आने के बाद मेरा घुटना तो बाप रे बाप, हालत पंचर हो गया इतना दूर आने के बाद। जब पैर तो आग बबूला हो रखा है, पूरा का पूरा आग बबूला। तो यहाँ से छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद चलेंगे। वकांडा में पानी भी रखे हैं पीने के लिए यहाँ पे, तो पानी वानी पीते हैं और फिर निकलते हैं फिर से लंबी राइड पे। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। फाइनली गाइस सब जाके मछवारा पहुंच चुके हैं, यहाँ पे लगा दिए अपने वकांडा को और अभी पियेंगे एक मस्त चाय। मेरे को चाय पीने के बाद शायद एनर्जी मिलेगी। ऐसी छोटा सा टी मारने के बाद अब जाके मेरे शरीर में छोटी सी फुर्ती आई है और इस फुर्ती से मैं अब 10-12 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ। और मेरे को बस इतना ही जाना है, इससे अधिक नहीं जाना है। तो चलो फिलहाल अभी भी 12 किलोमीटर का राइड करते हैं और यहाँ से गाइस अभी हम पहुँचे हैं मछवारा। तो चलो मछवारा से मस्त निकलते हैं।
तो टाइम इधर 3:30 बज रहे हैं, 3:30 चलते हैं, फिर आगे ट्रिप देखा जाएगा क्या होगा। गाइस मेरे को रास्ते में जाते हुए इतने बंदर दिखाई दिए, ये देखो गाइस, ये तो गाइस इतने बंदर। यहाँ पे मैं रुका हूँ, एक स्कूल है और यहाँ पे बंदरों की टीम आ रही है गाइस। ये देखो, देखो गाइस वहाँ देखो एक छोटा सा बच्चा, उसमें पप्पी। चलिए गाइस मैं तो पहुँच गया बुआ जी के गांव के जस्ट पीछे खड़ा हूँ अभी। वो जो गांव दिखाई दे रहा है ये बुआ जी का गांव पड़ेगा। फिलहाल गांव के पीछे आके एक नहर है, इसी नहर से नज़दीक के लिए जाया जाता है। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग बकरी चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे, गाय चरा रहे हैं। और फिलहाल इतना ज़्यादा थकान आ गया, मतलब का ही बताया, एकदम नेक्स्ट लेवल इतना ज़्यादा मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ गाइस। और यहाँ पे गाइस देखो बच्चे को खेत दाग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं बुआ जी के घर पे, फिलहाल देखते हैं। गाइस मैं अभी पहुँच गया, वो देखो वाइट वाला घर दिखाई दे रहा है, वो वाइट वाले घर के सामने वाला बुआ का घर है। मैं सोचा कि थोड़ा सा पैदल चलता हूँ, पैर बहुत ज़्यादा दुख गया, तो चलो मस्त चलते हैं गाइस। हाँ बिल्कुल। तो गाइस अभी हम आते हैं बुआ जी के घर, ये रही बुआ जी की नाती। हाँ बुआ जी की नाती, और ये रहते हैं गाइस हमारी बुआ जी। तो कल के डेट में हम पूरा अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे, आज के डेट में एग्जाम हो गया है तो क्या ही बताएं। मैं तो खुद कन्फ्यूजन में हूँ अभी, कल के डेट में एकदम अच्छे से मस्त ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल मेरी वो कांडा उधर खड़ी है, उधर डिम्पल आ रही है बुआ जी की नातिन। मैं आया हूँ सोने के लिए सचिन भाई के रूम में इधर। तो फिलहाल एकदम गर्दा वाला बेड है, और ये भाई का कुछ इस तरीके से रूम, बढ़िया है मेरे वाला गेस्ट रूम से। वो जो सब स्टोर रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम, किचन रूम सबका सबसे ये वाला से, हमारे वाला से तो यहाँ बढ़िया एक नंबर। फिलहाल यहाँ पे आया सोने के लिए, यहाँ पे भी अपना व्लॉग एडिट करेंगे। और लाइट का कनेक्शन इसमें है ही नहीं, तो अपना पावर बैंक इधर देख सकते हो ऊपर लिए हुए हैं। चलो मस्त अपना ब्लॉग एडिट करना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल बज रहा है रात के 8:30, तो कितना बजे तक ब्लॉग एडिट होगा वो तो पता नहीं। हाँ एक चीज़ और यार गाइस, यहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। आज से मैं एक साल पहले भी आया था तो यही हाल था, अभी भी यही हाल है। और फिलहाल मैं VI का चला रहा हूँ तो उसमें तो एकदम मतलब माथा खराब हो जाए। शायद कल ब्लॉग मिल जाए तो ठीक है। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।